व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरीश। को अपडेट बता देता हूँ, तो आज जैसे मेरे जितने भी कांटेक्ट में दोस्त हैं उनमें से बहुत सारे यूक्रेन जा चुके हैं, तो मैं आपको वहाँ की लाइव दिखाने की ट्राई करूँगा। तो मैं एक दो दिन में मेरे यूट्यूब पर लाइव आऊँगा तो आपको दिखा दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, तो लाइव आओ तो आपको पता चल जाए। वहाँ पे जो दोस्त गए उनसे मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, वो अभी गए हैं तो एक दो दिन उनको रहने दो। तो क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, क्या क्या महंगाई है, क्या मतलब क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वो जैसे वेस्ट साइड में तो उधर क्या प्रॉब्लम आ रही है उधर, तो अभी थोड़ा रहने दो, फिर मैं आपको लाइव में आके और उनके साथ बात करवाऊंगा और क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे और वो क्यों गए हैं वहाँ पे, वो सारी बातें क्लियर करेंगे। उन्होंने फीस फीस सब पे कर दी तभी उनको वीज़ा मिला है, तो वीज़ा करके प्रोसेस वो भी सारी उन्हीं के उनसे पूछ लेंगे कि कितना उनका पैसा लगाए जाने में, वो सब लाइव हम बात करेंगे तो उसमें पूछ लेंगे। तो मैंने लास्ट में ही बोला था कि जयपुरजिया में लीक का बहुत चांस है, तो जैसे आमिर जयपुरजिया रेडिएशन लीक फियर्स डर है वहाँ पे रेडिएशन लीक होने का। जो नियर बी सिटीज सेल्ड, तो वहाँ पे पास की सिटीज है वहाँ पे बमबारी हो रही है, तो मतलब रेडिएशन का बहुत खतरा है। अगर वो रेडिएशन हो गया तो तगड़ा खतरनाक चीज है वो, अगर कुछ भी हुआ ना तो फिर गए, फिर तो पूरा यूरोप गया। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे ये देखो आप, यूरोप में रिकॉर्ड महंगाई, मिडिल क्लास सड़कों पर, सरकारें घबराई। तो यूरोप में महंगाई बहुत हो चुकी है, आपको सबको तो पता होगा कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि सब रशिया से सप्लाई करते गैस वगैरह वो सब। तो वहाँ पे एक चीज़ बता दूँ हाँ जिनको नहीं पता, कि जो यूरोप होता है ना, तो यूरोप में जो जैसे लाइट वगैरह और ये सब होता है ना, हीटर वगैरह, वहाँ पे जो विंटर के टाइम यूज आते हैं हीटर, तो वो सारे गैस पे डिपेंड होते हैं, गैस से वहाँ पे लाइट बनती है, सब कुछ गैस पे डिपेंड होता है। जो गैस है वो मोस्टली रशिया से सप्लाई होती है सभी कंट्री को, तो अब गैस उनको मतलब वो कम सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ेगी, तो इसलिए यूरोप में महंगाई के बहुत रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और पोलैंड का ही बता दूं मैं आपको, पोलैंड वाले बोल रहे हैं कि शरणार्थियों को मान रहे हैं महंगाई का कारण, बिकॉज पोलैंड में महंगाई की दरें पिछले 2 दशकों के दौरान 18% हो गई है। क्योंकि पोलैंड में क्या है, अराउंड जो यूक्रेन से ना, वो 3 लाख के अराउंड वहाँ पे गए हैं, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गई है और वैसे सप्लाई कम है तो महंगाई तो बढ़नी है। जितने भी यूक्रेन जा रहे हैं तो प्लीज ये कंसीडर कर लो। और उससे पहले मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूक्रेन जा रहे हो ना, तो जैसे मेरा यह वीडियो देखना आप, वीडियो जो अगर लास्ट में आएगा यहाँ पे, तो वो आप देखना कि वहाँ पे नियम बन चुका था, जैसे कि मार्शल लॉ सब लग चुका था वहाँ पे। वहाँ पे अभी भी रूल है ये कि जैसे 11 बजे के बाद तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम अपनी जो फ्लैट होता था हमारी उसकी हम लाइटें नहीं जला सकते। आप वो वीडियो, अभी ये जब वीडियो एंड होगा ना, इसके लास्ट में यहाँ पे एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आप देखना सब, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि वहाँ पे ना तो लाइट जला सकते थे हम 11 बजे बाद, और 11 बजे बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर वो बंकर में जाना पड़ता है। जैसे सायरन बजो बंकर में जाओ, 11 बजे बाद तुम लाइट नहीं जला सकते। तो मतलब मैं वो सोच रहा हूँ कि क्लासे कैसे स्टार्ट होगी, मतलब ऑफलाइन कैसे क्लासे कैसे पढ़ोगे आप लोग, मतलब अगर जा रहे। मेन दिक्कत ये है कि फीस का क्या करे, तो फीस मतलब इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फीस का क्या करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप जा रहे हो और अभी पता नहीं है वो और लंबा खींचने वाला है, ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि पूरा विंटर खींचने वाला है। ट्रेन तो भूल ही जाओ, मैं तो इसलिए अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। मेरा क्या प्लान है, तो मैं ट्रांसफर के लिए ऑप्शन रख रहा हूँ बैकअप, बट मेरा इतना मन नहीं है एक्चुअल में ट्रांसफर लेने का, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा। तो ट्रांसफर में उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अर्मेनिया हो गया, सर्बिया हो गया, तो इन कंट्री को लीव कर रहा हूँ। तो ये कंट्रीज को मैं क्यों लीव कर रहा हूँ, मैं आपको उसका रीजन भी दे देता हूँ। जैसे ये आप पोस्ट देख रहे हो, तो येरेवान ये कैपिटल ऑफ अर्मेनिया की है। ए पर्टिकुलरली ब्रूटल मर्डर इन येरेवान, द बॉडी ऑफ ए इंडियन सिटीजन Who was study at one of the Yerevan University was found on David Beak Street. Indian था ये, और इसकी वहाँ पे मर्डर किया है। तो थोड़ा कंट्रीज ये वाली सेफ नहीं है, तो मैं इन सब कंट्रीज को छोड़ने वाला हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा। तो रशिया में भी कभी कुछ भी हो सकता है, तो रशिया भी मैं थोड़ा कम प्रेफर कर रहा हूँ। मैं फिर जॉर्जिया ऑप्शन में चूज लूंगा, मेरे पास ऑप्शन फिर जॉर्जिया रहेगा, तो मैं शायद जॉर्जिया में ट्रांसफर लूँ। बाकी तो यही अपडेट है यार, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब बुरा हाल हो चुका है स्टूडेंट का, फीस भी पे नहीं कर रहे इधर के ना उधर के, बस अब वेट कर रहे 5 सितंबर को कुछ अच्छा सा सुप्रीम कोर्ट हमको कुछ रिलैक्स दे दे तो बहुत अच्छी बात है यार। बस 5 तारीख का वेट करो और दुआ करो कि कुछ ना कुछ अच्छा मतलब अपडेट दे दे, या तो ऑनलाइन और कुछ भी। सपोज करो अगर डिग्री अगर यूक्रेन पढ़ रहे हैं और गलती से यूनिवर्सिटी पे बम गिर गया, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे गिर चुका है, तो यूनिवर्सिटी में हमारा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देगी यूनिवर्सिटी, डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी तो डिग्री तो कहाँ से देगी। तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी और हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो आप ट्रांसफर भी नहीं ले पाओगे, मतलब
आपकी डिग्री गई फिर वो तो बहुत बड़ी दिक्कत है यार। यूक्रेन जाना मतलब कि तुम अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो, मतलब यूक्रेन जाना एक तरह से उस टाइप का। बट यूक्रेन में मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं, सिक्स ईयर वाले गए हैं, तो मैं उनसे आपसे बात कराऊंगा लाइव में, हम बात करेंगे। थोड़ा दिन उनको रहने दो, एक दिन कल कर सकते हैं या परसों कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा पहले, लाइव बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जब भी लाइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।